हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोपियर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ जापान की है मिक्सर है दोस्तों, कंपनी का नाम है इसका जापान। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता दोस्तों, इसलिए फास्ट ही बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने प्लग लगा दिए, एसी स्विच ऑन कर दिए। ये देखिए दोस्तों, फिर भी हमारा मिक्सर ऑन नहीं हो रहा है। तो आइए दोस्तों, हम इसे रिपेयर करने के लिए पहले ओपन कर लेते हैं, सारे स्क्रू इसके हम खोल लेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम इसे ओपन कर रहे हैं अभी। इसके सारे स्क्रू हमें निकाल देना है और इसे पूरी तरीके से ओपन कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे ओपन कर लिया। ये जो है दोस्तों, वो सर्किट ब्रेकर है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आर्मेचर लगा हुआ है और कुछ वाइंडिंग्स होती है दोस्तों। इसमें तीन पावर के लिए तीन वाइंडिंग्स होती है जिसके वायर्स निकले होते हैं। हम सभी चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें चेक करना है कि एसी की सप्लाई आ रही कि नहीं, क्योंकि वो ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि हमारा एसी का सप्लाई जो है। ये देखिए दोस्तों, एसी का सप्लाई बराबर आ रहा है 225 वाट, जो हमारे मिक्सी को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं आगे। कंटिन्यूटी पे हमने पहले अपने मल्टीमीटर को सेट कर दिए दोस्तों। एक प्रोब एसी के वायर पे ले लिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें बीप बज रहा है, यानी पहली वाइंडिंग सही है और ये दूसरी वाइंडिंग भी परफेक्ट है दोस्तों, और ये हमारी तीसरी वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग भी पूरी ठीक है। फिर भी हमारा ये जो ऑन नहीं हो रहा है, यानी सबसे पहले हमारा मेन क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर, जिसे हम अभी निकाल देंगे। क्योंकि सर्किट ब्रेकर ही होता है दोस्तों, जब वाइंडिंग भी सही होती है, ऑल कनेक्शन सही होती है और एसी की सप्लाई भी आ रही होती है, तो सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट होता है। तो हम चलिए दोस्तों, इस सर्किट ब्रेकर को ओपन कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसे ओपन कर रहे हैं। ये जो होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर मिक्सर ग्राइंडर में चले जाता है, यानी इसकी जो एज का कोई भरोसा नहीं होता। ये अगर ओरिजिनल कंपनी का लगाया हो, देखिए दोस्तों, पॉलीमिक्स का सर्किट ब्रेकर है हमारे पास, जिसे हम आपके सामने दिखा देते हैं और लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, रिले 2.7 एम्पियर 230 वोल्ट का है दोस्तों, जो कि एक्सेप्ट कर लेता है, और ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी का है जो मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, पहले इसे हम लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर ऑन होता है या नहीं। जिस तरीके से हमने उसे ओपन किए थे दोस्तों, उसी तरीके से इसे भी फिट कर लेना है। इसमें जो नट्स को होता है दोस्तों, इसे बराबर से टाइट कर लेना है। अगर आपके पास प्लायर हो तो उससे पकड़ के अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, और मैंने प्लायर से कर दिया दोस्तों, लेकिन दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सर्किट ब्रेकर के जो भी कनेक्शन थे उसे फिर से लगा लेना है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसे देख लेते हैं दोस्तों। पहले एक बार पहले इसे बंद कर लेते हैं, क्योंकि खुले में ऑन करना ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हमें खतरा हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे पैक कर देते हैं, क्योंकि ऑल कनेक्शन सही होने के कारण मुझे पता है, कंफर्म विश्वास है कि ये मिक्सर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, इसलिए मैं इसे पूरी तरीके से पैक कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर से हम अपना प्लग लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपना प्लग लगा लिया हूँ और आप देखते रहिए, और अब हम इसे ऑन कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सर ग्राइंडर ऑन हो चुका है।